प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने की 3 महीने के बाद कांग्रेस व विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर गारंटियों से पीछे हटने के आरोप लगा रहा है, तो अब उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ये सफर लंबा है, कांटे नहीं कटेगा। प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार है जिसे कोई हिला नहीं सकता। 3 महीने के छोटे अंतराल में बीजेपी वादों से मुकरने वाली कांग्रेस पार्टी की धारणा लोगों में पेश कर रही है जो सही नहीं है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ट्रांसपोर्ट में ई बसेस का कंसेप्ट है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और जो वॉल्वो का नेक्सस है ट्रांसपोर्ट में, इसको हम मलिया मेट कर देंगे, जो कि सैकड़ों बसेज आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश को कोई टैक्स नहीं दे रही हैं। हमने इसके लिए कानूनी प्रावधान करने के लिए डिफरेंट पहलुओं पे डिस्कशन कर ली है, और तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। और ये पिछले 10 साल से ये प्रदेश में बसें चला रहे हैं, प्रदेश को कुछ नहीं दे रहे हैं। हम चाहें तो इनको एक मुश्त भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे टूरिज़्म पे असर होगा, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। तो इसलिए हम इनका परमानेंट सॉल्यूशन जो है, 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह करके जो है इसका समाधान करने जा रहे हैं। जो गाड़ियां जो है, जो लंबी गाड़ियां जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के नंबर ले रखे हैं, पूरे देश में आप जाएं 5 स्टारों के बाहर लंबी गाड़ियां आपको नजर आएंगी, इन सब के ऊपर नंबर हिमाचल के हैं। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड हिमाचल प्रदेश के साथ किया, और ये गाड़ियां पूरे देश में रजिस्टर नहीं हो सकती थी। इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलके या दलालों के साथ मिलके गाड़ियों के जो है जो दस्तावेज थे वो बदल दिए, और करोड़ों की गाड़ियों की खरीद जो है लाखों में दिखा के टैक्स का तो जो किया ही है, टैक्स से तो गड़बड़ की है, लेकिन दूसरा ये गाड़ियां रजिस्टर ही नहीं हो सकती थी, पूरे देश में नहीं हो सकती थी। हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है 2500 गाड़ी हम लोकेट कर चुके हैं। हमने डिपार्टमेंट को इस बारे में क्या फैसला करना अंतिम उसके लिए कहा है, लेकिन उससे पहले इन सब पे एक लाख रुपया जो है सब के ऊपर जुर्माना लगाने के निर्देश हमने जारी कर दिए हैं। पानी हमारा है, मैंने पहले भी कहा पानी हमारा है, पानी के जो राइट्स हैं उनको दोहन करना, और इसीलिए हमने 7.19% जो हमारा हिस्सा है पानी का, उसका मसला भी हमने उठाया है। इसीलिए हमने चंडीगढ़ में हिमाचल का जो 7.19% हिस्सा है उसका मसला भी हमने उठाया है। वाटर सेस हमने लगाया है, और ये हमारे पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, पानी राज्य का सब्जेक्ट है, बिजली केंद्र का सब्जेक्ट है। पानी पे टैक्स किसने लगाया? पानी विभाग ने। तो ये राज्य का अधिकार है, राज्य ने अपने हिसाब से वाटर सेस लगा दिया। 4000 करोड़ रुपया इससे अर्जित हो सकता है, 4000 करोड़ रुपया, और कानून हमने बना दिया। और ये जो है दूसरे राज्यों में पहले चैलेंज हो चुका है, कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, अगर किसी और राज्य ने लगाया तो जिन्होंने चैलेंज किया था उनको सफलता नहीं मिली। तो इसलिए इसके कानूनी पहलुओं पे सारा अध्ययन करने के बाद हमने सेस लगाया है, और हमारा आग्रह रहेगा पनबिजली का कंपनियों से कि वो जो है पैसा जो है जमा कराना शुरू करें, नहीं तो हम बहुत जल्दी वाटर कमीशन बना के इसकी वसूली शुरू करेंगे। 5 साल के लिए सरकार बनी है प्रदेश में, और ये सफ़र बड़ा लंबा है, और ये सफ़र कांटे नहीं कटेगा। हमने पहले काटा है 5 साल का सफ़र, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से
तीन महीने के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग प्रदेश में वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये धारणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदों से पीछे हट गई, मुकर गई और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें आर्थिक बदहाली के बावजूद हम अपनी गारंटियां पूरी करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमने जो गारंटीज दी हैं हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं, एक इंच भी हम उससे पीछे नहीं हटे हैं और धारणाएं और अफवाहें फैलाने से जो है भाजपा को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।